तो हेलो भाई, मैं हूँ अर्जुन सुथार। तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो भाई सबसे पहली बात, इस वीडियो में अपनी कुछ बातें शेयर करनी है कि भाई यार अपनी जो अर्बन क्रूजर है, अब इसको भाई लगभग 4 महीने हो गए हैं। इसमें यार मैं प्लान कर रहा हूँ छोटे मोटे मोड्स करने, भाई छोटी मोटी मॉडिफिकेशन जो एक्सटीरियर में होंगी, कुछ इंटीरियर में होंगी उनसे रिलेटेड। तो भाई मैं वो सारे सजेशंस आपसे चाहता हूँ, तो ये वीडियो उसी पर्पज से बनाई गई है। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहली चीज भाई, मेरा यार ऐसा क्या जज गया कि भाई कि इस पे मोड्स किए जाएं, क्योंकि भाई अपनी गाड़ी तो एकदम बिल्कुल स्टॉक है, अभी ये कंडीशन है भाई, एकदम टॉप एंड स्टॉक कंडीशन में। तो भाई किसी को नहीं पता तो बता दूं, भाई अपने पास है टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइड, नहीं भाई हाई राइडर नहीं है, अपने पास है टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई वेरियंट, ठीक है हाई वेरियंट, जिसमें अभी अगर अपन बताएं ब्रेजा के अकॉर्डिंग उसमें आता है, जैसे कि ZX अगर आपने देखा है तो उसके बराबर का मॉडल है, मतलब सेकंड टॉप मॉडल है, जिसमें अच्छे खासे फीचर्स हैं, जैसे क्रूज कंट्रोल हो गया, हाई स्टेक माउंटेड कंट्रोल, टच स्क्रीन स्टीरियो, बार एलॉय व्हील वगैरह, ठीक है। तो अब मैं कुछ मॉड्स प्लान कर रहा हूँ। तो हमारे किसी भाई ने अगर देखी हो Hyundai की N line, जैसे कि N line में बात करूँ, i20 आ गई और आ गए भाई Venue, इन दोनों में अगर किसी भाइयों ने देखी है उसमें भाई रेड एक्सेंट इतना प्यारा लग रहा है भाई, उसको देखने के बाद में मेरे मन में आ गया भाई मैं उस टाइप की कुछ, मतलब एकदम डिट्टो नहीं बट उस टाइप का कुछ लुक क्रिएट करूँ अपनी गाड़ी में। तो आप भाई कमेंट में बताना कि करना चाहिए या ना करना चाहिए, ठीक है। तो भाई मैं क्या क्या प्लान कर रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, भाई कैसे कैसे मैं अपनी गाड़ी में कर सकता हूँ, और आप भी कमेंट में बताना क्या क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए। तो मैं सबसे पहली चीज़ अगर किसी को ना बताऊँ तो बता दूँ, मैं रूफ ब्लैक करने की प्लानिंग में हूँ मैं, मतलब आगे ऊपर की जो छत है वो पूरी ब्लैक करना चाहता हूँ पियानो ब्लैक फिनिश में। कमेंट में बताना कैसी लगेगी अपनी गाड़ी के ऊपर, भाई मैं जैसा इमेजिन कर पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग तो भाई बहुत बढ़िया लगने वाली है अपनी गाड़ी के ऊपर, क्योंकि भाई ये गाड़ी भाई ऐसा ना अपना प्यार है, ठीक है। इस गाड़ी से भाई अब लगाव सा होने लगा है, पहले क्या था कि डस्टर एक तरीके से मोहब्बत बन गई थी, तो अब ये गाड़ी अपनी मतलब टच में आ गई है, अपनी मोहब्बत बनने लग गई है, ठीक है, क्योंकि भाई इससे भाई प्यार होने लगा है, ठीक है। आप जिस गाड़ी को चलाते हो उससे आपको अगर प्यार ना हो तब तक भाई गाड़ी में मजा नहीं आता, भाई अपनी गाड़ी से अपनी बहुत ज्यादा एकदम तगड़ा वाला ट्रू लव हो गया भाई, ट्रू लव, ठीक है। तो वो वाली बात है, अब इसमें छोटे मोटे टचअप करवाने ही करवाने हैं। तो अब सबसे पहली चीज मैं प्लान कर रहा हूँ इंटीरियर में, ठीक है, और दूसरी तो मैंने जैसे बताया आपको कि रूफ को ब्लैक करवानी है अपनी गाड़ी में, तो अपनी गाड़ी में रूफ में अपन ब्लैक करवा लेंगे। और एक सजेशन चाहिए था कि पिलर को ब्लैक करवाना चाहिए या फिर नहीं, मैं प्लानिंग में हूँ करवा लूँ, और कुछ भाइयों ने सजेशन दिया या फिर कह लो कुछ भाई हमारे मतलब जो मेरे नॉन में फ्रेंड्स हैं वो बोल रहे हैं भाई पिलर को ब्लैक मत करवा, रहने दे, रूफ ब्लैक करवा ले, ठीक है, ये कमेंट में बताना। और मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार को साइड में रोक के कि भाई एक्चुअल में मैं बात किस चीज़ की कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब क्या ब्लैक करवाने की एक्चुअल जो बात, क्योंकि आप सभी भाई अपनी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली हो, तो उनके साथ तो सब कुछ शेयर करना बनता ही बनता है, नो डाउट, ठीक है। आप जो बोलोगे मतलब मैं वही करवा लूंगा, नो डाउट, ठीक है। तब के साइड में रुक के मैं बताता हूँ। तो भाई अब मैं बाहर से आपको दिखा देता हूँ मैं एक्चुअल में बात किस चीज़ की कर रहा हूँ, क्या ब्लैक करवाने की। अब इंटीरियर दिखाऊं तो अपनी गाड़ी का कुछ ऐसा है, बहुत सिंपल सोबर इंटीरियर है भाई, इसमें फीचर्स भी बहुत सारे हैं, ये है वो है, मैं नहीं मतलब फीचर्स नहीं गिनवा रहा इस वीडियो में, मेरे को भाई बेसिकली इस वीडियो में आपसे सजेशंस चाहिए। अब ये देखो ये अपनी गाड़ी है कुछ आगे से लुक्स भाई बहुत बढ़िया, लेकिन मेरे को इस गाड़ी में कुछ टचअप करवाने हैं। ये हो गए भाई रूफ, मैं इसको करवाना चाहता हूँ भाई पूरा पूरा है ना भाई पियानो ब्लैक में, और ये वाले पिलर यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको भी भाई पूरा पियानो ब्लैक में करवाना चाहता हूँ। पियानो ब्लैक लगेगा कैसा, इस टाइप का कुछ फील देगा पूरी गाड़ी ऊपर से, एक तरीके से देखा जाए ना ऊपर ब्लैक नीचे सिल्वर, मतलब डुअल टोन हो जाएगी, और नीचे यहाँ पे अपने में ब्लैक टच बहुत ज़्यादा आ गया। तो एक तो ये करवाना चाहता हूँ, दूसरा आप कमेंट में बताना कि ये करवाऊँ ना करवाऊँ, ये जो कैलिपर्स हैं ये वाले इनको रेड करवाया जाए या ना करवाया जाए, और ये वाला पीछे का ये भी रेड करवाने की प्लानिंग में हूँ। तो मतलब ये चीज़ें करवाने की, एक तो मेन मेरा भी मोटो है, बाकी छोटे मोटे मैं चाहता हूँ भाई रेड टच दूँ गाड़ी को, जैसे कि देखो ये हेड अपनी जो टेल लाइट्स हैं वो रेड है, और अपनी गाड़ी का लुक कुछ ऐसा है ना भाई स्पोर्टी टाइप का है, इस लुक में थोड़ी गाड़ी मतलब एनहांस होती है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक बूट के यहाँ पे एक रेड पट्टी लगवाई जाए या फिर कहो रेड स्ट्रिप यहाँ पे कंटिन्यू किया जाए, या फिर आप बताना किसके साइड साइड में पूरे में भाई यहाँ तक रेड पट्टी ली जाए ना ली जाए, ये तो मेरे को थोड़ा कम है मन में, ये नहीं है मन में, लेकिन हाँ एक रूफ ब्लैक का और एक कि यहाँ पे ये रेड स्ट्रिप, ये दो तो बाहर से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। और हाँ आगे से मैं कुछ सोच रहा हूँ वो आप बताना कमेंट में कैसा लगेगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे देखना, इसको मैं पूरा जो पियानो ब्लैक में पेंट करवाने की प्लानिंग में हूँ, ये जो मतलब रफ सा दिख रहा है ना इसको, ये देखो इसको, और यहाँ पे पियानो ब्लैक करवाने के ऊपर यहाँ पे रेड पट्टी अपन ले आएंगे यहाँ ऊपर ऊपर,
आई थिंक ये लुक काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी कमेंट में बताना कैसा करना चाहिए। मेरे को भाई इतना क्रोम अच्छा लगता नहीं है गाड़ी के ऊपर, जेन्युइनली बताऊँ तो क्रोम होना चाहिए गाड़ी पर इतना भी नहीं यार, ओवर हो जाए। कई भाइयों को देखा भाई फुल ऑन क्रोम वगैरह दबा के लगा देते हैं, वो भाई मेरे को यार नहीं आता पसंद। क्यों भाई, ये अपनी गाड़ी है भाई, अपन को रेगुलर चलानी है। और भाई ये तो भाई सब ये है ना, जो भी करवाऊंगा भाइयों के सजेशन के बाद में ही करवाऊंगा, उससे पहले कुछ नहीं करवाने वाला, मैं चढ़वाने वाला नहीं हूँ। इंटीरियर में प्लानिंग है, फाइनल कुछ हुआ नहीं है, बट जस्ट लाइक ये क्रोम वगैरह है, यहाँ पर हेड टच थोड़ा बहुत दे दूंगा और मतलब ऐसा कुछ प्लानिंग है। और ये ब्लैक पियानो ब्लैक को हटा के यहाँ पे या तो हाइड्रो डिपिंग देखते हैं, हो गया तो मतलब करवा लेंगे थोड़ा अलग टेस्ट, बट इसका इतना कोई प्लानिंग नहीं है मेरा। ठीक है, मोटा मोटी मतलब अपनी गाड़ी एक प्रीमियम लगनी चाहिए। और यहाँ पे देखो भाई स्टीयरिंग कवर अपन ने लगवा लिया है अपनी गाड़ी के ऊपर, ये देखो प्रॉपर स्टीयरिंग कवर लग गया है भाई। अब भाई कुछ भाई बोलेंगे कि भाई वो वाला जो कवर होता है ना लेदर वाला, जो एकदम प्रॉपर टॉप मॉडल में आता है, वैसा करवाना चाहिए था। ठीक है भाई, मेरे को वही करवाना था, उसकी प्राइसिंग कुछ 2000 थी। मैं मतलब उसको भी वेयर आउट करने के लिए तैयार था कि 2000 लगेंगे, बढ़िया फिनिश आ जाएगी अपनी गाड़ी को। बट हमारे जो जोधपुर राजस्थान है इतना बड़ा नहीं है भाई कि वहाँ यहाँ पे मतलब कार मॉडिफिकेशन के लिए इतना क्रेजी नहीं है लोग, तो यहाँ पे होती नहीं है वो चीज़। ये सबसे टॉप एंड चीज़ है जो यहाँ पे होती है, जो जिसके मैंने 800 रुपये पे किए हैं एक तरीके से, तो 800 रुपीज़ का मेरे को ये स्टेयरिंग कवर मिला। बट इसकी जिगजैग में बहुत अच्छी फिनिशिंग आ गई, यहाँ पे कोई गैप नहीं है। ये देखो भाई, आपको किसी को करवाना हो ना भाई, भाई करवा लेना, या फिर अगर आपको कहीं शॉप की कोई दिक्कत हो या फिर कह लो बढ़िया फिनिशिंग वाली चाहिए, उनकी भाई मैं आपको दिखा मतलब बता दूंगा, कमेंट करना अगर किसी को करवाना हो तो। ठीक है, ये वाली बात है। सो, यही कुछ बातें हैं, अब दिखा देता हूँ आपको हमारी गाड़ी चली कितनी है। देखो 10,484 किलोमीटर भाई, रिव्यू जल्दी आने वाला है इसका, पूरा रिव्यू डिटेल्ड में दूंगा कि इसमें एक्चुअल में क्या दिक्कतें आई, क्या कुछ मैंने फेस किया और कैसा कुछ सब रहा। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगा, एंड तक बने रहना। ठीक है, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो, तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल आइकन को प्रेस कर दो।